जहाँ के महल सुंदर और आलीशान हैं, जहाँ की कारीगरी में अलग ही जान है। हम आए हैं भारत के उस गुलाबी शहर से जिससे मोहब्बत करना बड़ा ही आसान है। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम सलमान है। हेलो शार्क्स, आई एम सलोनी एंड वी आर फ्रॉम द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जयपुर। जयपुर अपनी कला, अपनी कल्चर, अपने इतिहास के साथ साथ अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए काफी मशहूर है। खूबसूरत रंग, हैंडक्राफ्टेड डिजाइंस, टाई एंड डाइज और खास करके जयपुरी ब्लॉक प्रिंट। गुलाबो जयपुर इज द प्रीमियम ब्रांड जो जयपुर की कारीगरी को पूरी दुनिया की अलमारियों तक लेके जाता है। वी मेक अनारकलीज, लहंगाज, क्वॉट सेट्स, कुर्ता सेट्स इन ब्यूटीफुल टाइमलेस डिजाइंस। व्हाट I'm a little nervous. कोई बात नहीं, आराम से। Yeah, so honestly, I haven't done any designing course or anything, but Gulabo Jaipur की सारी designing मैं खुद ही करती हूँ। Beautiful. हमारी sales, हमारी website, हमारे flagship store और कुछ market places से आती है, और यहाँ तक कि बहुत सारी celebrities ने भी हमारे products खरीद के पहने हैं। So Gulabo Jaipur को honestly we want to make a top leading brand of India and we want to take Jaipur की कारीगरी in the entire world. जिसके लिए हमारी ask है 90 lakh rupees for one person. Of course. Sharks, let's paint the world gulabo. Salman Saloni, welcome to Shark Tank. Thank you. आप लोगों ने मतलब क्यों शुरू किया और पहले क्या करते थे? I have started Gulabo Jaipur in 2014 December. Before that, I was working here and there, but I always knew I wanted to be a designer. बहुत क्रिएटिव रही हूँ बचपन से ही। मैं मेरे घर की फैमिली वेडिंग्स में मेरे और मेरे घर वालों के कपड़े खुद ही डिज़ाइन किया करती थी। आई स्टार्टेड ऑन इंस्टाग्राम इन 2015 एंड आई गॉट लाइक अ रियली गुड रिस्पांस ऑल ओवर इंडिया। आप लोग मिले कैसे? अरेंज मैरिज। आप शादीशुदा हैं? Yes. ओके। बेसिकली आई हैव डन लॉ फ्रॉम पुणे सिम्बायसिस, बट मेरे को लगा वो मेरा फोर्टे नहीं है। शादी के बाद में आई ट्राइड हेल्पिंग हर कि इसका फोन में डीएम्स, पीपीज एंड देन ही सॉ दैट यू नो कैसे मनी क्रेडिट हो रहा है जल्दी जल्दी, बिकॉज आई वॉज प्रीटी पॉपुलर इन इंडिया ऑन इंस्टाग्राम। अभी नहीं हूँ आप पॉपुलर? अब तो आई एम। टिल द टाइम मैं जो शादी। अब तो आई एम व्हाट? एक सेकंड, अब तो आई एम व्हाट? अब तो द ब्रांड इज किलिंग इट आई फील। अब तो और पॉपुलर हो गई। या और आपका रोल क्या है अभी? इनका क्रिएटिव एस्पेक्ट है पूरा, जो भी डिजाइनिंग से लेके लेट्स से शूट के मॉडल्स एंड ऑल दैट। माय जॉब इज कि मैं प्रोडक्शन से लेके प्रोक्योरमेंट से लेके मार्केटिंग से लेके सेल्स डिस्पैचिंग, तो सारा ऑपरेशंस आप देखते हैं। तो या कुछ प्रोडक्ट के सैंपल्स दिखाएंगे हमें? गोटा वर्क ना, दिस इज डोरियन सीक्वेंस बट आई स्पेशलाइज इन गोटा पत्ती। ये क्या है? दिस इज मसलिन विद कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी। अच्छा, ये प्रिंट को क्या कहते हैं? ये बहुत टिपिकल जयपुर ब्लॉक प्रिंट, बहुत पॉपुलर है ब्लॉक प्रिंट। बहुत बार हमने देखा है कि एक स्टेरियोटाइप्स होते हैं कि स्पेशली वुमेन बिजनेस लीडर्स बहुत बार ड्रेस डाउन करते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि अगर वो ग्लैमरस होंगी तो पीपल वोंट टेक देम सीरियसली। बट आई थिंक जो मुझे आपके कपड़ों में बहुत पसंद आया है कि एक ब्लिंग फैक्टर है आपके सब डिजाइन में। एज अ डिफरेंशिएटर आपने ये टिपिकल जयपुर का जो ट्रेडिशन है, हैंडवर्क है, इसी में स्पेशलाइज करती हैं। आई वांट टू नो मोर अबाउट दैट। ब्लॉक प्रिंट इज द यूएसपी ऑफ माय ब्रांड, आल्सो ये टॉप सेलर प्रोडक्ट भी है हमारा। दिस अदर गोटापत्ती थिंग इज व्हाट आई लव टू डू। आई वांट टू डिजाइन मोर, सो आई स्टार्टेड अ ब्राइड रेंज लास्ट ईयर ओनली। आई डू अ फेस्टिव रेंज अराउंड दिवाली एंड राखी। नाम आपका गुलाबो जयपुर, राइट? तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि एक जयपुर की आइडेंटिटी जो और कहीं नहीं मिलती, जयपुर की कारीगरी वो उठ के आएगी, बट आई डिडंट सी दैट। इन फैक्ट ये जो वेलवेट कफ्तान टाइप से वो बहुत कश्मीरी है, राइट? या आपकी कोई स्पेशलाइजेशन है कि नहीं? आई जेन्युइनली मेक टाइमलेस क्लोथ्स, यू नो मेरे आई लव ओवरड्रेसिंग, दैट्स एवरी वुमन थिंग एंड आई एक्चुअली स्टार्टेड दिस बिजनेस बिकॉज आई लव टू ड्रेस अप सो मच। आपका गारमेंट्स आर दे प्राइमरली इंडियन वेयर? यस। स्पेशलाइज्ड in occasion wear or everyday wear or both? So I started with everyday wear, but now I do festive also, I do brides also, but our top selling is everyday wear, but there's a touch of luxury in the everyday wear I make. Kya average price point agar ye white wale set ka this price? This is around 7,000 rupees. So matlab it is a premium brand? Yeah. It's a niche segment.
और मतलब मास्टीज भी नहीं है ये, प्रीमियम मतलब लग्जरी की तरफ थोड़ा सा चला जाएगा। उस प्राइस पॉइंट को ऐसे नहीं कि हम लोग उसको मेंटेन करके रखना ही चाहते हैं। जो हमने समझा है 4000 से जो 7000 का जो प्राइस ब्रैकेट है, ये बहुत ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप बहुत मासेस पे भी नहीं जा रहे हैं और बहुत नीच सेगमेंट पे भी नहीं जा रहे हैं। सबसे महंगा प्रोडक्ट कितने का होगा? द ब्राइड लहंगा इज फॉर 90000 और वो लाल वाला ये है 52000 का। आप लोग ब्लॉक प्रिंट क्या मैनुअली करवाती हैं जो आपके पास कारीगर हैं या फिर किसी और तरीके से कराती हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग का हमारा एक सेटअप है जहाँ पे सलोनी मेक्स द डिजाइंस। प्रोडक्शन इज आवर्स, द स्टिचिंग इज आवर्स, लाइक दैट्स इन हाउस। बट आउटसोर्सिंग के लिए डाइंग होती है, जैसे हैंड वर्क होता है या मशीन वर्क होता है। तो आपका थोड़ा सेल्स समझ लेते हैं कि आपका बिजनेस कितना एक्सपैंड हुआ अभी तक। 22-23 के अंदर हमने रफली 4.5 CR का बिजनेस किया था, 21-22 में हमने रफली 3.8 का बिजनेस किया है और 20-21 में हमने 2.1 का बिजनेस किया और इस साल का अभी तक हमारा 4 CR का बिजनेस हो चुका और लास्ट मंथ 72 लाख। और कितना क्लोज करो इस साल? इजीली एक्सपेक्टिंग अबव 8 CR। प्रॉफिट कैसा चल रहा है सलमान भाई, ये साल कितना होगा 8 करोड़ में? अगर एबिटा की बात करें तो रफली 15% तक हम लोग क्लोज करेंगे। 1 करोड़ बना लेंगे हम जी। चलिए एक मुद्दे की सवाल करता हूँ आपसे, 90 लाख से 1% मतलब 90 करोड़ का वैल्यूएशन आप कमाओगे अबाउट 1 करोड़ दिस ईयर, तो करीब 100 times आपका एबिटा हो गया। क्या चाहते क्या आप? 90 लाख से तो आपका कुछ होने वाला नहीं है, आप एनीवे इतना पैसा कमा रहे हैं, तो और कुछ लेने आए हैं आप यहाँ? Obviously we need the expertise to grow. हमारा जो next financial year का जो planning है, we are definitely going to touch above 20-25 CR. अगर हम लोग sharks के साथ में we have a right mentor. वही specifically question, the mentorship किस चीज में, क्या चाहिए? जैसे inventory अपने को कैसे बनानी है, right now हम लोग जो sales कर रहे हैं उसको somehow meet up करने में problem आती है, but with the right guidance, yeah. Next financial year 25 CR नहीं होगा, it will definitely touch 100 crore. लेकिन 11 टाइम सेल्स से आपने कैसे जस्टिफाई किया 90 क्रोर्स विद एन 8 क्रोर एग्जिट? हमारे ऑर्गेनिक सेल्स वो इतनी अच्छी है और रिव्यूज जो हमारे आते हैं दैट दे लव ऑल ऑफ इट, तो वी आर डेफिनेटली श्योर हम लोग इतना अचीव कर ही लेंगे व्हिच इज 20-25 CR। कोई प्रायर वैल्यूएशन नहीं है ना आपका, ये फर्स्ट फंड रेजिंग। अभी आजकल इस इंडस्ट्री में बहुत सारे बायआउट्स हो रहे हैं, आदित्य बिरला और रिलायंस बाय कर रहे हैं ब्रांड, तो वो किस वैल्यूएशन पे खरीद रहे हैं, कुछ आइडिया है आप लोगों? ऑब्वियसली दे आर ओनली एक्वायरिंग जो ब्रांड्स जो बहुत ज्यादा स्केल कर चुके हैं। कितना स्केल? लाइक ऋतु कुमार को रिलायंस कितने पे बिका था? ऋतु कुमार खरीदा था, रिलायंस ने खरीदा था ना शायद? यस 52%। कितने पे? दैट आई डू नो, 2x ऑफ सेल्स इज व्हाट आई नो। बट आपको इंडस्ट्री का तो नॉर्मली पता होना चाहिए, मैं पता होता है क्या हो रहा है आसपास, D2C में क्या मल्टीपल चल रहा है। नो ऑनेस्टली वी वर थोड़ा सा डिसकनेक्टेड फॉर 2 years क्योंकि कोविड हैपेंड, देन साथ माय चाइल्ड हैपेंड। आई डोंट वांट टू बाय इनटू दैट। मतलब ठीक है आप बोल रहे हो तो मान जाता है, बट इट्स नॉट, इज इट फेयर टू से कि 2-3 times सेल्स इज नॉर्मल? सी अभी तक अगर हम लोगों ने मार्केटिंग में उतना पैसा लगाया ही नहीं था तो हमारे कस्टमर एक्विजिशन मार्केट में वैल्यूएशंस मैक्स 2-3 times फैशन के हैं आज की तारीख। अनफॉर्चुनेटली मेरे को आउट होना पड़ेगा, वैल्यूएशन बहुत हाई है, मुझे लगता नहीं है मैं ज्यादा आपके इसमें वैल्यू ऐड कर सकता हूं, ये एक्सपेंसिव भी बहुत है। जब मेरा वो क्वेश्चन था उसमें मेरा थोड़ा आई वाज टेकन अबैक, जैसे आप बोल रहे हो कि 2 साल का आपका, थोड़ा बहानेबाजी लगी, बट आप थोड़ा सा आंखें खोलो और आसपास भी देखो। बिजनेस काफी सलोनी के इंस्टिंक्ट, उनके चार्म, उनके डिजाइनिंग कैपेबिलिटीज पे निर्भर है। yes. अगर आप इन्वेस्टर लेते हैं 90 लाख स्पेशली एट दिस वैल्यूएशन, आपको 500 करोड़ की कंपनी बनानी पड़ेगी तभी इन्वेस्टर के पैसे बनेंगे, वो इनके इंस्टिंक्ट और सिर्फ इनसे नहीं बनेगा। कोई भी SOP है आपका जिससे आप इसको स्केल करेंगे? या वी ऑलरेडी हैव अ टीम, वैसे के यू नो हमारे पास 70 लोग अंडर हैं। बेसाइड्स यू टू, योर नेक्स्ट हाईली पेड पर्सन कितना कमाते हैं और रोल क्या है? समवेयर अराउंड 48000 अ मंथ। और उनका रोल क्या? उनका रोल है ऑपरेशंस एज वेल एज वन ऑफ द सेम पर्सन उनका सेल्स है। थैंक यू सलोनी। सलमान आज मैं आपके साथ जुड़ नहीं पाऊंगी, मुझे थोड़े कॉन्ट्रडिक्शंस लग रहे हैं ये बिजनेस में जो इन्वेस्टेबल नहीं बनाते हैं इसको। पहली बात तो गुलाबो जयपुर नाम है, पर जयपुर के नाम पे जो डिजाइन आते हैं ब्लॉक प्रिंट्स एंड जो स्टैंडर्ड जयपुर की वाइब है वो आपके कपड़ों में नहीं है, ये उससे काफी एलिवेटेड एंड मोर टुवर्ड्स ओकेजन चला गया है। तो आपका जो नाम एंड आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है और आप जो आज एग्जीक्यूशन कर रहे हो वो दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा क्योंकि ब्रांड की एक आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट होती है।
दूसरा मुझे लगता है ये एक ऑलमोस्ट ब्रिज टू लग्जरी ब्रांड बन रहा है, विच इज अमेजिंग. बहुत प्रॉफिटेबल एंड हाई मल्टीपल्स वाला इवेंचुअली बिजनेस हो सकता है, पर उसको आप ऑनलाइन बेच रहे हैं वो भी बहुत बहुत मुश्किल कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा. तो आज की तारीख में इन रीजंस की वजह से मैं आपके साथ ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, बट बिल्ड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. लास्ट ईयर मैं जयपुर में थी और मैंने बहुत मार्केट में मैं घूमी, तो जहां तक मैंने मार्केट सर्वे किया है बहुत सारे स्टोर्स एंड बुटीक्स हैं जयपुर में विथ सिमिलर डिजाइंस. सबसे बड़ा गैप आपके बिजनेस में ये दिख रहा है कि ऐसे बहुत कॉम्पिटिशन है, कुछ ऐसे उभर के नहीं आ रहा है एज ए USP. सेकेंड पॉइंट इज दैट आप अभी एक फैमिली बिजनेस है, थोड़ा एक USP पे काम कीजिए, थोड़ा ये फैमिली बिजनेस माइंडसेट से मूव करके पीपल प्रोसेसेस पे ज्यादा फोकस लाइए, देन यू विल बी रेडी फॉर इन्वेस्टर फंडिंग. आज आप रेडी नहीं है और इसलिए आई एम आउट, बट आई विश यू द वेरी बेस्ट. आई थिंक यू हैव अ गुड बिजनेस. 1.25 करोड़ रुपया कमाना साल का कोई मजाक नहीं, और आपने कर दिखाया. सो वेल डन. लेकिन यहाँ से आपको कहाँ जाना है वहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि अभी तक आप तैयार नहीं हो, आपके सिस्टम्स नहीं है. जैसे मैं पूछ रहा था, आपका मोस्ट हाईली पेड पर्सन 50,000 रुपीज कमा रहे हैं मैंने, लीडरशिप मैनेजमेंट टीम में कोई नहीं, आप ही. तो अभी तक आप अपने आप को रेडी नहीं कर पाए हो वो लेवल पे जाने के लिए जहाँ आप इन्वेस्टमेंट ले सको. आज आपका बिजनेस इज सलोनी. It's not investable from my perspective, but I wish you all the best. I'm out. सबसे पहले तो साथ में आपका प्यार भी बहुत अच्छा है, आप परिवार के साथ कारोबार चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, एंड बेस्ट विशेस फॉर दिस. थैंक यू. ब्लॉक प्रिंट पे मेरे को हमेशा से थोड़ा इंट्रीग रहा है, पर मुझे लगता है इस पे स्पेशलाइजेशन की बहुत जरूरत होती है. आज आप बहुत चीजें करना चाह रहे हैं, शायद आपको उसमें 20-30% ऐसा दिखाई देगा कि ये चीजें मेरी सबसे अच्छी. वो क्लैरिटी आपको लाना पड़ेगा अपने बिजनेस के अंदर में. एक बार आप आइडेंटिफाई कर लें आपका स्पेशलाइजेशन, तब आप इन्वेस्टेबिलिटी के लिए काफी और तैयार होंगे. आज आपकी वो क्लैरिटी नहीं है कि आप स्पेसिफिकली किस सेगमेंट में जाना चाह रहे हैं, उस कारण से आज मैं आ गया. मेनी बेस्ट विशेस. ऑलराइट गाइस, मेक जयपुर प्राउड. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर.